नागपुर में काली मारबत उत्सव कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष काली मारबत उत्सव बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है, परंतु लॉकडाउन की वजह से 2 साल से इस उत्सव पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इस वर्ष 27 अगस्त के दिन बड़े जुलूस के साथ इतवारी से लेकर महल से होते हुए हरिहर मंदिर के लिए यात्रा जाएगी। इस कमेटी की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। माझा परिचय, मी पिवळ्या मारबत देवस्थान जे नागोबा देवस्थान मारबत नागोबा देवस्थान या ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे, प्रकाश रामचंद्र गौड। काय म्हणजे आता मारबतच्या कोरोनाच्या कारण म्हणजे आता कसे कोरोनाचा काय म्हणजे 2 वर्ष आम्हाला फक्त आम्ही मूर्ती बनवण्यात आली आणि त्यांचं आम्ही फक्त विसर्जन केलं। मी विसर्जन जे आपण दरवर्षीप्रमाणे करतो, फक्त त्यामध्ये मिरवणूक निघाली नाही, पण यावर्षी शासनाची परवानगी आहे। बिमारीचा काय फार थोडा कमी आहे, असला तरी थोडाफार आहे, त्यामुळे की आमची आता 137 वर्ष पूर्ण झालं आहे। हा का हे वर्ष आता 138 वर्ष आहे आणि दरवर्षी जे मारबत आहे त्या पुरातन काळापासून इंग्रजाच्या शासनापासून ही मारबत उत्सव चालतो आहे। ते लोकांना रोगराई घेऊन जा हा मारबतीचा एक मेन हेतू होता। म्हणजे आधीच्या काळात छोटीशी पिवळी मारबत बसायची, जे कृषीप्रधान देश असल्यामुळे प्रत्येक घरोघरी मारबत बसायची, मग त्याला समाजाने 4 फूट मोठी मूर्ती बनवून त्याला ही मारबत सार्वजनिक करण्यात आली आणि ती करून आता त्याला धार्मिक काहीतरी भावना असायला पाहिजे। ज्यावर इंग्रजाचं शासन होतं, इंग्रजाच्या शासनामध्ये मुभा नव्हती म्हणून धार्मिक याला थोडीशी मुभा होती, म्हणून समाजाने इतर समाज एकत्रित करून स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये फार मोठा सहभाग घेतला। स्वातंत्र्याच्या चळवळीत हा फार मोठा सहभाग राहिला समाजात, इतर समाजाने त्याच्यामध्ये साथ आणि ही चळवळ चालली गेली। त्यावेळेसपासून ही मारबत उत्सव 137 वर्ष पूर्ण झाले, हे 138 वर्ष आहे। मैं सचिन सुरेश गुप्ता, काली मारबत उत्सव कमेटी का कोषाध्यक्ष, और ये 142 वर्ष हो गए इस काली मारबत उत्सव कमेटी उत्सव को, जो कि हम 2 साल से कोरोना काल के कारण हम कुछ ये त्यौहार हम जोरों से कर नहीं सके। ये साल हमारा 27 तारीख को सुबह 10 बजे जुलूस के साथ इतवारी से लेके इतवारी महल होते हुए यह यात्रा गांधी पुतला गोलीबार चौक होते हुए मारवाड़ी चौक होते हुए यह हरिहर मंदिर के लिए जाएंगी। और कमेटी से वो क्या काम होता है? कमेटी से यह काम होता है, कमेटी में प्रोग्राम अच्छे होते हैं, सभी कार्यकर्ता अच्छे प्रोग्राम को प्रोत्साहन करते हैं, मारबत वारबत बनाते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। वर्गनी के लिए कम से कम अपने काम धंधे छोड़कर, जो कि लड़के और लड़के सब जन मेहनत करके वर्गनी निकालते हैं। ये साल में महंगाई की क्या महंगाई को तो पूछो ही मत, महंगाई तो ये साल तो बहुत ही है, सब डबल की इसमें महंगाई है। इसके कारण हम मारबत से यही बोलते हैं कि महंगाई ला घेऊन जा गे मारबत। मी काडी मारबत उत्सव कमिटी अध्यक्ष गौरव आडे। मारबत 1881 पासून सुरू झाला सण आहे, आमच्यासाठी सण आहे। आणि 1881 मध्ये जे भोसले राजा होते त्यांची बहीण बकाबाई हे अंग्रेजांशी मिळाली होती, त्याच्या विरोध म्हणून नागपूरकरांनी ही मारबतचा सुरू केला। आणि त्या काळी लोकाला एकत्रित करण्याचा सगळ्यात मोठा सण म्हणजे मारबत राहायचा। क्रांती, नागपुरातली क्रांती सगळ्यात स्टार्टिंग मारबतच्या यशाने सुरू झाली आहे आणि आम्ही तिला धार्मिक रूप म्हणजे पुतना मावशी मानतो। पुतना मावशीला कृष्ण श्रीकृष्णाने मृत्यू दिली, त्यामुळे ती पण देवी झाली म्हणून आम्ही तिला देवीच्या रूपने पूजतो आणि मानतो। महागायचा हे मारबतमध्ये नसते, बडग्यामध्ये असते। मारबत हे देवीच्या रूपमध्ये मानले जाते, इथे ओटी भरतात, पूजा करतात, लोक दुरून दुरून लोक पूजा करतात, मन्नत मागतात, त्यांची मन्नत पूर्ण हर वर्षी होतात आणि हिचं प्रसिद्धी होऊन राहिली वर्षोनिवर्षी। आम्हाला उद्या एवढा रश राहतो की आम्हाला सांभाळणं नाही होत।
काली मारबत ये इतवारी से निकाली जाती है और करीब 145 साल पुराना इतिहास है। ये परंपरा है जिस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास ये काली मारबत उत्सव समिति के सभी सदस्यों ने रखा है। तो मैं इस अवसर पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि एक हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को का जतन करने का काम इन लोगों ने किया है। काली मारबत को देवी के रूप में लोग पूजते हैं, यहाँ पर लोग उनकी ओली भरते हैं जिसे ओटी कहा जाता है, ओटी भरते हैं और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि माँ जब भी आती है और जब जाती है तो रोग राई घेऊन जागे मारबत, ऐसा कहते हैं। और ये सच्चाई भी है कि क्योंकि ये जो मौसम रहता है उस मौसम में बहुत रोग राई जहाँ वहाँ फैली हुई रहती है और ये सब चीज़ों को लेकर मारबत यहाँ से निकलती है और जाती है। तो ये पुरानी परंपरा है और नहीं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे, कोरोना के जो दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से प्रेषित किए गए थे और हम सबका कर्तव्य है कि सरकार के द्वारा बनाए गए जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए क्योंकि कोरोना ये महामारी ऐसी थी कि जिसका इफेक्ट जिस भी परिवार पर होता था तो वो बहुत बहुत परेशानियों से गुजरता था। महंगाई के बारे में क्या, पूरा देश हलाकान है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। लोग आज महिलाएं पूरे घर का बजट उनका बिगड़ चुका है। तो महंगाई के बारे में तो ऐसा कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी से इस अवसर पर निवेदन करती हूं कि उन्होंने अब तो भी जागना चाहिए। ठीक है, आप राम भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी विदाउट पूजा घर से बाहर नहीं निकलते, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे देश का जो गरीब वर्ग है वो कैसे अच्छा रह सकता है, वो अपने परिवार को कैसा अच्छा संभाल सकता है, ये हमारे लिए बहुत बेहद आवश्यक है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करती हूँ।